मैं आ गया था श्री। मैंने मोरवी का अभिमान चूर चूर कर दिया है। उसे बुद्धि और बल दोनों में हराकर आपकी आज्ञा का पालन भी किया और उसका सिर अपने पैरों में भी झुका दिया। बधाई हो वत्स, बहुत बहुत बधाई हो। हमें विश्वास था कि तुम अवश्य सफल होकर लौटोगे। वत्स, अभिमान मानव प्रवृत्ति का विकार है। सूर्य का दोष उसका ग्रहण है और मानव का दोष अभिमान। उसे तो टूटना ही चाहिए। मोरवी अपना अभिमान छोड़कर महान हो गई। यदि आज्ञा हो तो एक प्रश्न पूछूं ताए श्री। आज्ञा पराए मांगते हैं वत्स, तुम तो मेरे अपने हो, पूछो। क्या प्रश्न है तुम्हारे मन में? संसार में ना जाने कितने शूरवीर, बलवान और शक्तिमान नवयुवक हैं, तो आपने मोरवी का अभिमान तोड़ने के लिए मुझे ही क्यों चुना? क्यों? क्या मोरवी तुम्हें अच्छी नहीं लगी वत्स? अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, किंतु मेरे प्रश्न का ये उत्तर तो नहीं। किंतु तुम ये प्रश्न क्यों पूछना चाहते हो? इसलिए कि आप कोई कार्य अकारण नहीं करते। आपके मुख से निकला हुआ कोई भी शब्द अर्थहीन नहीं होता। आपके हर आदेश में सृष्टि का कोई ना कोई भेद अवश्य छिपा होता है। मैं आपके उस आदेश के भेद को जानने के लिए उत्सुक हूं। तो यूं कहो वत्स कि तुम भविष्य के आंगन में झांक कर देखना चाहते हो। तो यूं ही समझ लीजिए, किंतु मैं आपके आदेश का कारण अवश्य जानना चाहता हूं। तो सुनो वत्स, यहां संसार में घटनाएं उसी समय जन्म लेती हैं जब महान व्यक्तियों का परस्पर मिलन होता है। तुम्हारा मोरवी का मिलन और विवाह कोई साधारण घटना नहीं है। तुम महाबली भीम और मायावनी भाभी श्री हिडिंबा के पुत्र हो और मोरवी स्वयं मायावनी है। तुम्हारा यह संबंध भविष्य में ऐसी घटनाओं को जन्म देगा जो तुम दोनों की महानता में और भी वृद्धि करेंगे। क्यों वत्स, क्या तुम्हारी इस उत्तर से संतुष्टि नहीं हुई? मैं धन्य हो गया। तो चलो वत्स, इंद्रप्रस्थ चलते हैं। तुम्हारा विवाह वहीं संपन्न होगा। यदि आज्ञा हो तो मैं माताश्री के पास हो आऊं? अवश्य जाओ वत्स। विवाह से पहले माता का आशीर्वाद लेना यूं भी तुम्हारा परम धर्म है। मैं केवल आशीर्वाद लेने नहीं जा रहा हूं, मेरे विवाह में उनकी उपस्थिति अनिवार्य है। मैं उन्हें अपने साथ इंद्रप्रस्थ लाने जा रहा हूं। किसी भी बहाने से माता के चरण छूना स्वर्ग के द्वार खटखटाने के समान होता है वत्स। रहा प्रश्न भाभी श्री को इंद्रप्रस्थ लाने का, तो अवश्य जाओ, प्रयत्न करके देख लो। आयुष्मान भाव।